लेजर मेनली डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरी, सॉलिड स्टेट लेजर, गैस लेजर, लिक्विड आई लेजर एंड सेमीकंडक्टर लेजर। तो सॉलिड स्टेट लेजर में हमारे सिलेबस में है रूबी लेजर, तो रूबी लेजर पढ़ेंगे। गैस लेजर में हम हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे, और लिक्विड आई लेजर और सेमी कंडक्टर लेजर का हमारे सिलेबस में कोई पार्ट है नहीं, ना इनका कोई एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं इसमें भी। पढ़ेंगे हम रूबी लेजर, और यहाँ पर हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है मैम। रूबी लेजर सॉलिड स्टेट लेजर का पार्ट है। हाँ जी, उसमें जो हमारा रूबी क्रिस्टल है वो सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है, तो जिसमें भी एक्टिव मीडियम जिस मीडियम में होगा जिस फॉर्म में होगा वो लेजर हो जाएगा। तो रूबी क्रिस्टल में एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड दोनों सॉलिड स्टेट फॉर्म में, रॉड की फॉर्म में है तो सॉलिड स्टेट लेजर है। हीलियम नियॉन दोनों गैसेस की फॉर्म में है तो गैस लेजर हो गया, ठीक है। और ये दोनों हमें पढ़ने नहीं है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका। Describe the construction and working. Of ruby laser. Describe its important application. Or what are the characteristics of laser beam? जो इससे laser beam निकलती है उसकी क्या characteristics होती हैं? तो क्या है ये first laser है जो सक्सेसफुली ऑपरेटेड हुआ था, और ये मे मैन ने बनाया था इन 1960। सामने जो डायग्राम है ये वाला नहीं बनाएंगे, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बना रखा है उसको बनाएंगे। रूबी लेजर वॉज फर्स्ट लेजर डेवलप बाय मे मैन इन 1960। इट इज थ्री लेवल लेजर, इट इज फर्स्ट सॉलिड स्टेट लेजर, ये पहला सॉलिड स्टेट लेजर है। और फिर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग फिर डाल लेंगे, इतना लिखने के बाद कंस्ट्रक्शन और फिर डायग्राम को समझेंगे। यस मैम, हो गया ये हेलिकल ट्यूब है जिसके अंदर ज़ीनॉन फील्ड है। जिससे यहाँ पे पावर सप्लाई अटैच है। यहाँ से लिक्विड नाइट्रोजन जाता है, तो कूलिंग अरेंजमेंट है ये। ये है हमारा फ्लैश लैम्प जिसमें ज़ीनॉन भरा हुआ है।
ये हमारा है रूबी रॉड, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन से होता है। ये हमारा फुली रिफ्लेक्टिंग एंड या फुली सिल्वर्ड एंड है। ये हमारा पार्शली सिल्वर्ड और रिफ्लेक्टिंग एंड है। यहां से हमें आउटपुट मिलती है लेजर बीम। रूबी रॉड, एक रूबी रॉड है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर बल्कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड डोप्ड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड डोप होता है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या होता है, जब हम इसको क्रोमियम आयन को डोप्ड करते हैं इसमें, या क्रोमियम ऑक्साइड को डोप्ड करते हैं, तो कुछ एल्यूमिनियम आयन क्रोमियम आयन से रिप्लेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमियम आयन है इसके अंदर, रूबी रॉड के अंदर एक्टिव मीडियम होता है, मतलब लेजिंग एक्शन या लेजर एक्शन इसी के अंदर हो रहा होता है, और इसी की वजह से ये जो रूबी रॉड है इसका कलर पिंक कलर का होता है। फिर से कंस्ट्रक्शन में यहां तक सुनिए जो मैंने बताया है। रूबी रॉड बेसिकली एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक रॉड है, जो 2 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसमें 0.05% क्रोमियम आयन या क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग होती है, और एल्यूमिनियम आयन रिप्लेस्ड हो जाते हैं क्रोमियम आयन से। तो क्रोमियम आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस रूबी रॉड के पिंक कलर के होने के, साथ में रूबी रॉड के अंदर या रूबी लेजर के अंदर एक्टिव मीडियम भी हमारा क्रोमियम होता है। ये रूबी रॉड एक ग्लास ट्यूब में रखी होती है। इस ग्लास ट्यूब के चारों तरफ एक हेलिकल पाथ में फ्लैश लैम्प रहता है। उस फ्लैश लैम्प के अंदर ज़िनॉन गैस फिल्ड होती है, और कंटिन्यूसली वो पावर सप्लाई से अटैच होता है। तो जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, तो क्या होगा, जो फ्लैश लैम्प में ज़िनॉन गैस है वो एक्साइटेड होगी, और फिर डीएक्साइटेड होकर स्पॉन्टेनियस एमिशन एमिट करेगी, और फोटॉन्स जो हैं इस रूबी रॉड पे इंसिडेंट हो जाएंगे। रूबी रॉड में जो क्रोमियम आयन्स हैं ग्राउंड स्टेट में, उनको एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, वो हम वर्किंग में समझेंगे। बट वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे हीट की फॉर्म में जनरेट हो जाएगी। उस हीट को रिमूव करने के लिए एक कूलिंग अरेंजमेंट रखा जाता है, और उस कूलिंग अरेंजमेंट में लिक्विड नाइट्रोजन या वाटर का फ्लो किया जाता है। रूबी रॉड के दोनों एंड्स को सिल्वर्ड किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग एंड बनाया जाता है, फ्लैट किया जाता है। एक को फुली रिफ्लेक्टिंग एंड बनाया जाता है, एक को पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड बनाया जाता है। जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड है वो हमारा विंडो के तरह काम करते हैं, और यहां से हमें आउटपुट मिलती है। फिर से सुनिए क्या बताया मैंने। रूबी रॉड एक सिलेंड्रिकल रॉड है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिसके अंदर 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग होती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम आयन रिप्लेस्ड हो जाते हैं क्रोमियम आयन से। ये क्रोमियम आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूबी रॉड के पिंक कलर के होने के लिए, साथ में रूबी रॉड के अंदर एक्टिव मीडियम भी हमारा क्रोमियम आयन होता है। ये रूबी रॉड एक ग्लास ट्यूब में रखी हुई होती है। इस ग्लास ट्यूब के चारों तरफ हेलिकल पाथ में, हेलिकल फॉर्म में एक ज़िनॉन डिस्चार्ज ट्यूब या फ्लैश लैम्प लगा होता है। ये फ्लैश लैम्प कंटिन्यूसली पावर सप्लाई से अटैच होता है। रूबी रॉड के दोनों एंड्स को हम सिल्वर्ड करके रखते हैं और फ्लैट करके रखते हैं, ऑप्टिकली फ्लैट करते हैं। जो फुली रिफ्लेक्टिंग एंड है, ठीक है, और एक हमारा पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड है। जो पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड है वो हमारे विंडो की तरह काम करता है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलती है। जैसे हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ज़िनॉन हमारी एक्साइटेड स्टेट में जाती है, और फिर 10^-8 सेकेंड बाद उसको वापस से नीचे आना होता है, तो लाइट एमिट करती है, और वो लाइट फोटॉन्स हमारे रूबी रॉड पे इंसिडेंट होते हैं। ऑप्टिकल एनर्जी हमारी रूबी रॉड पे इंसिडेंट होती है। तो ऑप्टिकल एनर्जी के कुछ पार्ट, सारा का सारा नहीं होता,
क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लोअर लेवल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं. जो पार्ट रह जाता है एब्जॉर्ब करने से वो यहाँ पे हीट की फॉर्म में हीट जनरेट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट अटैच होता है और कूलिंग अरेंजमेंट में हम लिक्विड नाइट्रोजन या वाटर का फ्लो कराते हैं इसको कूल करने के लिए. फुली रिफ्लेक्टिंग एंड और पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड क्या बनाएगा? ऑप्टिकल रेजोनेटर टू एम्पलीफाई द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स. ये हमारा विंडो है. ठीक है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, फिर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे. बनाया है उसी को लैंग्वेज में लिखा है. रूबी इज बेस्ड ऑन थ्री एनर्जी लेवल. दिस लेजर कंसिस्ट ऑफ पिंक रूबी सिलेंड्रिकल रॉड हूज एंड आर ऑप्टिकली फ्लैट एंड पैलर. द वन एंड इज फुली सिल्वर्ड, द अदर एंड इज पार्शली सिल्वर्ड. दिस अरेंजमेंट एक्ट एज ए ऑप्टिकल रेजोनेटर टू फैसिलिटेट द नेसेसरी फोटॉन्स रिक्वायर्ड टू गेन स्टिमुलेटेड एमिशन. द पार्शली सिल्वर्ड एंड कैन बी यूज एज ए विंडो फॉर लेजर आउटपुट. The length of ruby crystal is 2 cm to 30 cm and the diameter is 0.5 cm to 2 cm which is shown in figure. The ruby rod is basically aluminium oxide crystal doped with 0.05% chromium oxide. Aluminium ion are replaced by chromium ion and this impurity replaced hua. And the chromium ion, this impurity, these impurity of chromium ions are responsible for pink color of ruby laser and chromium ion are active material in ruby. Ruby is surrounded by helical xenon photo flash lamp which provide optical pumping. For cooling, a water or liquid nitrogen circulating glass tube is provided around the ruby rod. हो गया. चलिए तो वर्किंग समझते हैं. ठीक है, ये हमारा वर्किंग का एनर्जी लेवल डायग्राम है. तो ये थ्री लेवल लेजर है. तो ये जो हमने एनर्जी डायग्राम बना रखा है ये क्रोमियम का है. तो इसके अंदर हमारे क्या है, थ्री एनर्जी लेवल्स हैं. E1 है ग्राउंड एनर्जी स्टेट, E3 है एक्साइटेड स्टेट जो शॉर्ट लीव स्टेट है, और E2 हमारी मेटा स्टेबल स्टेट है जो इन दोनों के बीच में है. अगर नॉर्मली हम नॉर्मल स्टेट की बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस हमेशा ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे रूबी रॉड के अंदर. अगर हमने पावर सप्लाई ऑन नहीं किया है, ऐसे ही है, तो मैक्सिमम क्रोमियम आयन जो है नॉर्मल स्टेट में रहेंगे, तो ग्राउंड स्टेट में होंगे, सबकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट वाली होगी. जैसे ही हम फोटो फ्लैश लैम्प ऑन करेंगे तो फोटो फ्लैश लैम्प जो है ग्राउंड एनर्जी स्टेट के जो क्रोमियम आयन है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे. तो ये जो वेवलेंथ है ये E1 और E3 के बीच की एनर्जी की वेवलेंथ है. इस ट्रांजिशन को हम पंपिंग ट्रांजिशन बोलते हैं. हमने क्या किया, फोटो फ्लैश लैम्प ऑन किया, फोटॉन्स ऑप्टिकल एनर्जी रूबी रॉड पे इंसिडेंट हुई, रूबी रॉड में जो क्रोमियम आयन ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे थे उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया और लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे. दिस ट्रांजिशन इज नोन एज पंपिंग ट्रांजिशन. जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है ये शॉर्ट लीव स्टेट है. यहाँ पर जो हमारे एटम्स हैं क्रोमियम एटम्स या क्रोमियम आयंस जो हैं वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट जो है क्रिस्टल लैटिस को, क्योंकि हमारा जो रूबी रॉड है वो सॉलिड स्टेट फॉर्म में है, तो सॉलिड स्टेट फॉर्म में क्रिस्टल में वाइब्रेशंस भी होते हैं. तो उस वाइब्रेशंस की वजह से जो क्रोमियम आयन E3 स्टेट मतलब इतनी एनर्जी लेकर है वो अपनी एनर्जी का लॉस कर देता है और E3 स्टेट से E2 स्टेट में आ जाता है. तो यहाँ पे E2 स्टेट से E3 स्टेट से जो E2 का ट्रांजिशन है ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है. एनर्जी कोई बाहर नहीं निकलती है, सिर्फ वाइब्रेशंस की वजह से क्रिस्टल लैटिस की वजह से E3 स्टेट से E2 स्टेट में डिके हो जाता है क्रोमियम आयंस का. यहाँ तक समझे क्या बोला? नॉर्मली क्रोमियम आयन ग्राउंड स्टेट में होते हैं. जब हम फोटो फ्लैश लैम्प ऑन करते हैं तो फोटो फ्लैश की फोटॉन्स को क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट E1 से एक्साइटेड स्टेट E3 में मूव करता है. दिस ट्रांजिशन इज नोन एज पंपिंग ट्रांजिशन. E3 स्टेट हमारी शॉर्ट लीव स्टेट है और इस स्टेट में जो क्रोमियम आयन्स हैं वो कुछ अपनी एनर्जी का पार्ट जो है लैटिस को दे देते हैं
और डिके हो जाते हैं E3 स्टेट से E2 स्टेट में. दिस ट्रांजिशन इज नोन एज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन. E2 स्टेट हमारी मेटा स्टेबल स्टेट है. तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस मेटा स्टेबल स्टेट में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे. हम कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई दे रहे हैं, फोटो फ्लैश लैम्प से कंटिन्यूअसली फोटॉन्स या ऑप्टिकल एनर्जी जो है रूबी रॉड पे इंसिडेंट हो रही है. तो जो भी क्रोमियम आयन ग्राउंड स्टेट में थे वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं E3 स्टेट में, और E3 स्टेट से E2 स्टेट में आ जा रहे हैं. और E2 स्टेट हमारी क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट है, यहाँ पे वो ज्यादा देर रुक सकते हैं. तो एक टाइम ऐसा आता है कि नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस मेटा स्टेबल स्टेट में ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट. इवन में इनिशियली क्या था, ग्राउंड स्टेट में एटम्स ज्यादा थे, E3 और E2 में कम थे. बट हमने ऑप्टिकल पंपिंग कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे थे और एटम्स E2 स्टेट से E3 स्टेट से E2 स्टेट में आए जा रहे थे. तो नंबर ऑफ क्रोमियम आयन गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन E2 स्टेट. तो E2 स्टेट में नंबर ऑफ क्रोमियम आयन जो है इंक्रीज होने लगते हैं और पॉपुलेशन इन्वर्जन इस्टेब्लिश हो जाता है E2 और E1 के बीच में. यहां तक समझ में आया? ठीक है. अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमियम आयन E2 स्टेट में इकट्ठे हो गए. जो फर्स्ट क्रोमियम आयन E2 स्टेट में आया था, यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमियम आयन इंक्रीज हो गए. जो सबसे पहले क्रोमियम आयन E2 स्टेट में आया था वो 10^-3 सेकंड बाद तो वापस आना ही है ग्राउंड एनर्जी स्टेट में. तो एक स्पॉन्टेनियस फोटोन एमिट होता है जो थर्ड ट्रांजिशन है E2 स्टेट से E1 स्टेट के बीच में, और फोटोन एमिट होता है 6,943 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ का. क्या कहा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इकट्ठे होने लगे थे, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स क्रोमियम आयन्स इकट्ठे होने लगे थे E2 स्टेट में, और E2 स्टेट और E1 स्टेट के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन इस्टेब्लिश हो गया था. जो फर्स्ट क्रोमियम आयन या जो सबसे पहले क्रोमियम आयन E2 स्टेट में आया था वो 10^-3 सेकंड बाद स्पॉन्टेनियसली E2 स्टेट से E1 स्टेट में आया और फोटोन उसने एमिट किया. इस फोटोन ने, जो यहां से फोटोन निकला, इस फोटोन ने बाकी क्रोमियम एटम्स जो E2 स्टेट में बैठे थे उनको स्टिमुलेट किया, इंड्यूस किया कि वो E2 स्टेट से E1 स्टेट में आए और फोटोन एमिट करें. तो जो फर्स्ट फोटोन होता है लेजर ट्रांजिशन का, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से हमें मिलता है. अब ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से जो फोटोन मिला है ये बाकी फोटॉन्स या बाकी क्रोमियम आयन्स को स्टिमुलेट करता है जो E2 स्टेट में है कि वो E2 स्टेट से E1 स्टेट में आए और अदर फोटोन एमिट करें. ये फोटॉन्स रूबी रॉड में ट्रैवल करते हैं, जो भी क्रोमियम आयन इन्हें E2 स्टेट में मिलते हैं उनको स्टिमुलेट और इंड्यूस करते हैं कि वो E2 स्टेट से E1 स्टेट में आए और रिफ्लेक्टिंग एंड की तरफ जाते हैं. वहां से फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर आते हैं, फिर रूबी रॉड में ट्रैवल करते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन बैक का चलता रहता है जब तक नंबर ऑफ फोटॉन्स सफिशियंटली हाई इंटेंस ना हो जाए, एम्पलीफाई ना हो जाए. और जैसे ही इंटेंसिटी हाई होती है, एम्पलीफाई होते हैं फोटॉन्स, बहुत सारे फोटॉन्स हो जाते हैं, तो पार्शली रिफ्लेक्टिंग एंड से आउटपुट हमें मिल जाती है. ठीक है, तो जो फोर्थ ट्रांजिशन होता है हमारा, ये ट्रांजिशन कहलाता है लेजर ट्रांजिशन और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन, जिससे हमें आउटपुट मिल रही है. ठीक है, यहाँ पर भी है, साइड में छोटा सा रखा हुआ है मैंने. तो एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ क्रोमियम आयन ऑन क्रिस्टल लैटिस इज शोन इन फिगर. इट कंसिस्ट थ्री एनर्जी लेवल सिस्टम. अपर एनर्जी लेवल इज शॉर्ट लीव एनर्जी. ये वाला जो लेवल है E3, शॉर्ट लीव एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है ग्राउंड स्टेट से ऊपर. फिर एक इंटरमीडिएट एनर्जी स्टेट है E2, जो मेटा स्टेबल स्टेट है जिसका लाइफ टाइम 10^-3 सेकंड है. यहाँ पे 3×10^-3 सेकंड लिखा है, 3 छोड़ भी सकते हैं. एंड आर इन ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1. व्हेन द फ्लैश ऑफ लाइट फॉल अपॉन द क्रोमियम आयन गेट एक्साइटेड फ्रॉम लेवल E, एक्साइटेड लोअर लेवल E1 एंड एक्साइटेड लेवल E3. लोअर लेवल E1 से एक्साइटेड लेवल E3 में मूव कर जाते हैं.
ट्रांजिशन फ्रॉम E1 टू E3 इज ऑप्टिकल पंपिंग ट्रांजिशन. तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो हमारा ऑप्टिकल पंपिंग ट्रांजिशन होगा जो यहाँ पे बता रहे हैं हम. नाउ द क्रोमियम आयन गिव्स अ पार्ट ऑफ देयर एनर्जी टू क्रिस्टल लैटिस एंड डिके टू मेटल स्टेबल स्टेट E2. हेंस द ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E3 टू E2 इज रेडिएशन लेस ट्रांजिशन. दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन हमारा पंपिंग ट्रांजिशन है, सेकेंड ट्रांजिशन रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है. इसलिए मैंने कलर्स भी दोनों को मैच करके लिखा हुआ है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. नोट हो गया ये. वो कलर वाइज जो ब्लू और ग्रीन है वो एक पंपिंग ट्रांजिशन. हाँ, जो ब्लू है देखिए पंपिंग ट्रांजिशन के लिए लिखा हुआ है ये मैंने कि लाइट फ्लैश ऑन हुआ, क्रोमियम ने उसको एब्जॉर्ब किया, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट इसमें मूव करा, तो ये इसके लिए लिखा हुआ है. फिर ये जो ग्रीन वाला है ये इसके लिए लिखा हुआ है कि E3 स्टेट से E2 स्टेट पे आए. तो अगर रह भी गया है तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन बस छोटा छोटा है. अब हम दो ट्रांजिशन यहाँ तक बात कर चुके हैं, 1 और 2 तक की बात कर चुके हैं, अब यहाँ पे आ गए हैं. ठीक है कि E3 स्टेट में क्या होगा, E2 स्टेट में क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमियम आयन इंक्रीज होने लगेंगे क्योंकि लॉन्ग लिव्ड स्टेट है. तो यहाँ पे क्रोमियम आयन इंक्रीज होने लगेंगे और पॉपुलेशन इन्वर्जन इस्टेब्लिश हो जाएगा E2 और E1 के बीच में. मेटा स्टेबल स्टेट इज लॉन्ग लिव्ड स्टेट, हैंस द नंबर ऑफ क्रोमियम आयन गोज ऑन इंक्रीजिंग वाइल ड्यू टू पंपिंग द क्रोमियम नंबर ऑफ क्रोमियम आयन इन ग्राउंड स्टेट E1 गोज ऑन डिक्रीजिंग. दस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज इस्टेब्लिश बिटवीन E2 एंड E1. इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन इस्टेब्लिश हो जाएगा. अब हम थर्ड ट्रांजिशन यानी E2 स्टेट से E1 स्टेट में जो फर्स्ट स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ था उसकी बात कर रहे हैं और साथ में फोर्थ ट्रांजिशन जो यहाँ से E2 स्टेट से E1 स्टेट में आया स्टिमुलेटेड एमिशन उसकी बात कर रहे हैं. तो स्पॉन्टेनियस फोटोन एमिटेड बाय क्रोमियम आयन एट E2 लेवल इनिशिएट्स the stimulated emission by other chromium ion in meta stable state. The wavelength of photon is 6943 angstrom. This photon travels through the ruby rod and if it is moving along axial direction and repeatedly reflection, this result in amplified strong laser beam of wavelength 6943 angstrom. This stimulated transition is laser transition. The laser beam is sufficiently intense. A part of it emerges through the partially reflecting end of the crystal. Yeah, partially silvered end of the crystal. जो partially reflecting end है वहां से कुछ part इसका बाहर emerge out हो जाएगा जैसे intensity high हो जाएगी. ये हमारी यहाँ पे working complete हो गई है इसकी. तो एनर्जी लेवल डायग्राम फुल नेमिंग के साथ करना है और उसके बाद एक एक स्टेप को बताते चलना है. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन. रूबी लेजर इज पल्स लेजर, इट एमिट लाइट इन फॉर्म ऑफ पल्सेस. आउटपुट पावर वेरी करता है 10^4 to 10^6 वॉट्स. ड्रॉबैक ये है कि लेजर रिक्वायर वेरी हाई पंपिंग पावर टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन. Ruby laser is pulse laser and that emits a laser in the form of pulses. साथ में क्योंकि pumping power high use होती है और heat generate होती है तो हमें cooling arrangement की भी जरूरत होती है. तो वो इसका drawback भी है कि इसमें cooling arrangement की भी जरूरत होती है. Application and uses of ruby laser. It used in laboratory experiment, soldering और welding में भी use होता है. Lidar में use होता है light detection and ranging में. और ऑल्सो यूज फॉर ड्रिलिंग. अगर हमें स्मॉल एरिया में किसी मटेरियल को ड्रिल करना है तो उसके लिए भी हम रूबी लेजर यूज कर लेते हैं.